जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये चैप्टर थ्री टाइप्स की अकाउंटिंग पर बेस्ड है। तो फर्स्ट है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सेकंड है एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, थर्ड है फंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, फंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है उसके बेसिस पर हम क्या बनाएंगे जी, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जिसको हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो एक्रुअल बेसिस अकाउंटिंग पर होगी, जिसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना सीखेंगे। इनकम और एक्सपेंडिचर हमेशा एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बनता है। फंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का जो यूज होगा वो हम करेंगे बैलेंस शीट में। तो हमारा प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट हो गया है, फर्स्ट वीडियो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस वीडियो को जाकर अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लें, जो इस एनपीओ के सेशन की फर्स्ट वीडियो है। उसके बाद ये वीडियो देख लें, उसके बाद भी आप उसको जाके देख सकते हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर इस वीडियो में सीखने वाले हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट किस बेसिस पे बनेगा? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आप समझें कि कैश बुक बना रहे हो, तो कैश बुक में रिसीप्ट्स, कैश बुक में हम क्या करते हैं, कैश बुक में पैसा आता है तो डेबिट साइड लिख देते हैं, चाहे वो इस साल का है, पिछले साल का है, नेक्स्ट ईयर का है, जैसा किसी भी ईयर का हो उसको डेबिट साइड लिख देते हैं, और पैसा जा रहा है तो उसको क्रेडिट साइड लिख देते हैं कैश बुक में। उसमें डबल कॉलम भी होती है, उसमें दो कॉलम्स बन जाते हैं, कैश और बैंक। कैश आ रहा है तो कैश के कॉलम में लिख देंगे, बैंक में आ रहा है तो बैंक के कॉलम में लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर रिसीप्ट एंड पेमेंट में दो कॉलम्स नहीं है, एक ही कॉलम है। उसी कॉलम में कैश का भी पैसा लिखना है और बैंक ट्रांजेक्शन भी लिखनी है। कैश या चेक आया तो डेबिट साइड लिख दिया, कैश या चेक से पेमेंट किया तो क्रेडिट साइड लिख दिया। टाइम पीरियड हमें नहीं देखना है कि इस साल का पे किया है, नेक्स्ट ईयर का पे किया है, पिछले साल का पे किया है, ये हमें नहीं देखना है। बस आपने पेमेंट की है ना, क्रेडिट साइड लिख दें। पेमेंट आई है कैश या चेक, डेबिट साइड लिखते हैं। ये बस आपको करना है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय। बहुत ही आसान है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको पहले से आता है बनाना, बस नाम बदल दिया कैशबुक का, क्या क्या कर दिया, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। लेकिन फिर भी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कुछ थ्योरी, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो कर लेते हैं जी। हाँ जी, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, तो यहाँ आ जाए जी। तो इन सिंपल वर्ड्स, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज लाइक टू कॉलम कैशबुक। अभी बताया था टू कॉलम कैशबुक, उसमें दो कॉलम होते हैं, इसमें एक ही कॉलम है। आपको सारी की सारी एंट्री, जैसे टू कॉलम कैशबुक में डेबिट साइड दोनों कॉलम्स में लिखते थे कैश और चेक में, कैश और बैंक में, इसमें एक ही कॉलम में एक ही साइड लिख दो, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। नेक्स्ट है बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन ए सिंगल अकाउंट। अभी बताया था कैश या चेक आ रहा है डेबिट साइड लिख दो, कैश या चेक जा रहा है क्रेडिट साइड लिख दो। थर्ड है इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अभी डिस्कस किया है। ये जो बनेगा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर बनेगा जी। रिसीप्ट्स आर शोन ऑन द डेबिट साइड, जो भी पैसा मिलेगा कहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड, और जो भी पेमेंट होंगी उनको कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड। अभी बताया जो भी पैसा आया कैश या चेक डेबिट साइड, पैसा गया कैश या चेक क्रेडिट साइड। क्लियर पॉइंट? बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर, क्या कह रहे हैं यहां पर, रेवेन्यू हो या कैपिटल नेचर का हो, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट आर शोन वेदर इट रिलेट्स टू द करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। कहने का मतलब है कि किसी भी तरीके का पैसा हो, रेवेन्यू नेचर का हो, कैपिटल नेचर का हो, पैसा आ रहा है डेबिट साइड, किसी भी ईयर का हो आ रहा है डेबिट साइड और जा रहा है तो क्रेडिट साइड, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है। रेवेन्यू और कैपिटल क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर इसका इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सब कुछ
सारे सेम है, गधे घोड़े सब बराबर है। यहां पर कुछ नहीं सोचना आपने, यहां पर आपने कुछ नहीं सोचना, पैसा आ रहा है डेबिट साइड, पैसा जा रहा है क्रेडिट साइड। जी नेक्स्ट, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसीप्स एंड पेमेंट अकाउंट, फीचर्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं जी नेचर की। तो नेचर में कैसा नेचर है जी इसका, ये एसेट अकाउंट है। आपको बताइए कैश बुक एसेट अकाउंट होती है अगर आप मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग सोचें तो, और अगर आप ट्रेडिशनल रूल पे जाएंगे तो ये रियल अकाउंट है। एसेट अकाउंट भी है और रियल अकाउंट भी है। इट इज जस्ट द समरी ऑफ कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स इंक्लूडिंग बैंक ट्रांजेक्शंस। ये क्या है, बस एक समरी है। बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग वही हमने पहले पढ़ा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैपिटल एंड रेवेन्यू, इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स वेदर दे आर ऑफ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, पहले ही पढ़ चुके हैं। इट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शंस वेदर इट रिलेट्स टू दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर, पीरियड का कोई लेना देना नहीं है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, इट्स ओपनिंग बैलेंस शोज कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड एंड क्लोजिंग बैलेंस शोज कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। इसमें ओपनिंग बैलेंस भी होता है और क्लोजिंग बैलेंस भी होता है। ओपनिंग बैलेंस शुरू का बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस एंड का बैलेंस है। समझ आ गया, थोड़ा आप इसको पॉज करके ये नोट कर लेना, तो मैं इसको स्टिल भी कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। हाँ जी नेक्स्ट, एडजस्टमेंट्स। इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कुछ भी नहीं करना, कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं होगी। पर्पस, इसका पर्पस क्या है जी, इसका पर्पस ये है कि हमारे पास कितना पैसा आया, कितना गया, किस हेड से आया है, किस अकाउंट से आया है, किस किस अकाउंट से आया है, बस इसको रिकॉर्ड करना है, बस एक समरी हमें रिकॉर्ड करनी है, ये इसका पर्पस है और कोई पर्पस नहीं है। समझ आ गया जी, ये इसके हो गए फीचर्स। नेक्स्ट आ जाओ जी, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं, ये सारे के सारे रिसीप्ट्स को बताती है, चाहे वो पिछले साल का है, चाहे वो इस साल का है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का है, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंसेस और रिसीप्ट्स नहीं बता रही, तो ये इसमें एक कमी है। यहां पर आप ये पता नहीं लगा सकते कि इस साल का कितना पैसा आया है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 50,000 मिले, उसमें से 5,000 पिछले साल के भी हैं, लेकिन मैं सारा कितना रिकॉर्ड करूंगा, 50,000। अब मुझे, मैं कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट से ये पता नहीं लगा सकता कि इस साल का कितना है, ये पता नहीं लगेगा। ये कहां से पता लगेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, जो हम आगे स्टडी करेंगे, जो हम आगे थोरली पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, इट डज नॉट शो वेदर एनपी ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस आउट ऑफ इट्स इनकम और नॉट, क्योंकि एक्रुअल बेसिस पे नहीं बना ये, तो बस ये देख रहा है कि ये पैसा मेरे पास आ गया, ये मेरे पास से इतना पैसा चला गया, उसमें पिछले साल का भी था, इस साल का भी था, हम अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ये यहां से नहीं पता चलेगा, क्योंकि एक तो ये डेली बेसिस पे नहीं बन रहा है, ये अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनेगा। हमारी जो कैश बुक होती है वो डेली बेसिस पे बड़े बनती है। आगे हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट और कैश बुक में डिफरेंस क्या है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो ये इसकी दो लिमिटेशन होगी, ये भी आप देख लेना। आ जाओ जी नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस। वही मैंने अब आपको बताया, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट और कैश बुक में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो पीरियड, ये कब बनता है, साल के अंत में बनेगा। इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, और यहां पर अगर आप देखें, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन डेली बेसिस, ये डेली बेसिस पे बनता है। डेट, यहां पर जो ट्रांजेक्शन है उनमें डेट नहीं लिखी होती, यहाँ पर डेट नहीं लिखी होगी, लेकिन यहाँ पर डेट लिखी होती है कैश बुक में। इंस्टीट्यूशन, ये एनपीओ बनाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी की सारी फर्म्स बनाती हैं। साइट्स, इसमें रिसीप्ट्स और पेमेंट साइड होती है, इसमें डेबिट एंड क्रेडिट साइड होती है। इसके अलावा इसमें देर इज नो कॉलम फॉर लेजर फोलियो, इसके अंदर लेजर फोलियो का कॉलम नहीं होता, इसमें रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में, लेकिन कैश बुक में लेजर फोलियो का कॉलम होता है, कि इसके अंदर हो गए डिफरेंस। एक बार मैं इसको एक मिनट के लिए स्टिल कर देता हूं, एक बार आप इसको रीड कर लें वीडियो को पॉज करके।
चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी आ गया जी रिसीप्ट्स एंड प्रीमियम अकाउंट का हमारा फॉर्मेट। तो सबसे पहले टॉप पर आपको क्या लिखना है जी, एक सेकंड, टॉप पे आपको लिखना है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड ये लिखना है। उसके बाद यहां पर रिसीप्ट्स, यहां पर पेमेंट और यहां पर डेबिट और क्रेडिट भी लिख ही देना आप। मैंने नहीं लिखा यहां पर डेबिट एंड क्रेडिट। और ये फॉर्मेट है, सबसे पहले आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और जहां जहां से आपको पैसा आ रहा है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शंस, जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशंस, टू ग्रैंड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, बस आपको ये पहचानने के पैसा आ रहा है, एंट्रेंस एडमिशन फीस, जनरल ग्रांट्स, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड और यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, मतलब पैसा आना चाहिए आपको, ये ट्रांजेक्शन से पता लग जाए कि ये पैसा आ रहा है तो रिसीप्ट साइड लिख दें और पैसा जा रहा है तो पेमेंट साइड लिख दें। जैसे यहाँ कुछ सारी चीजें समझ आ रही होंगी, मैं ये ऑनरेरियम, ऑनरेरियम तो ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो उसके गेस्ट के आने की जो फीस होती है उसको ऑनर करते हैं, तो ऑनर की फॉर्म में हम उसको कुछ पेमेंट कर सकते हैं और उसको ऑनरेरियम बोला जाता है। बाकी सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो अंडरस्टूड हैं, ये बाकी सारे एक्सपेंसेस अंडरस्टूड हैं, ये आपकी बुक में भी फॉर्मेट दिया हुआ है तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ हुआ जैसे बुक्स, अगर हम बुक्स की बात करें तो बुक्स एक कैपिटल एक्सपेंसेस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैसा भी एक्सपेंडिचर हो, चाहे रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर हो, चाहे कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो, आपको यहां लिख देना है और अगर आपको पैसा मिल रहा है तो उसको इधर लिख देना है, पैसा जा रहा है तो उसको यहां लिख देना है। फिर आपने क्या करना है, डेबिट साइड का टोटल करें और क्रेडिट साइड का टोटल करें और माइनस कर लें। माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आता है वो यहां जाएगा बाय बैलेंस सीडी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। एक बात यहां पे ध्यान रखनी है, कैश इन हैंड का बैलेंस हमेशा डेबिट ही आएगा, कैश एट बैंक का क्रेडिट भी आ सकता है क्योंकि ओवरड्राफ्ट हो सकता है, कैश इन हैंड का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, यानी कि क्रेडिट साइड सीडी आएगा हमेशा डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आपके पास हमेशा कैश पॉजिटिव होना ही चाहिए क्योंकि तभी आप पेमेंट कर पा रहे हैं, कैश कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है क्योंकि वहां पर ओवरड्राफ्ट हो सकता है। तो ये जो कैश एट बैंक है, यहाँ पर ये जो कैश एट बैंक है, ये वाला जो है वो इधर भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, ये टू, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टू बैलेंस सी डी, ये इधर भी आ सकता है, बैंक वाला, कैश वाला हमेशा इधर ही आएगा, बैंक का इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। तो ये हमारा हो गया फॉर्मेट, ये हमारा हो गया जी फॉर्मेट, किसका, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट हो गया ये। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कर लेते हैं, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का ये 2020 टीएस ग्रेवल का सबसे पहला क्वेश्चन है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। पढ़ा आपने क्वेश्चन, तो देखो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट है वो है कैश इन हैंड, ये तो डेबिट साइड आ जाएगा टू बैलेंस बीडी करके कैश इन हैंड 4390। तो मैं सबसे पहले मैं साइड लिख देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। सब्सक्रिप्शन ये फंड होते हैं, यानी कि पैसा आता है, सब्सक्रिप्शन इनकम सोर्स है, ये डी हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, डोनेशन डेबिट हो जाएगा, एंट्रेंस फीस डेबिट हो जाएगा, रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल्स डेबिट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्रेडिट हो जाएगा, टैक्सेस पेड क्रेडिट हो जाएगा, सैलरीज क्रेडिट हो जाएंगी, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी ये भी एक्सपेंसेस है, ये डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ये भी क्रेडिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फॉर्मेट के साथ।
ये लो जी, हमने बना दिया फटाफट से फॉर्मेट। यहां हम लिख देंगे, सॉरी, डेबिट, और ये हो जाएगा जी क्रेडिट, और यहां लिख देंगे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और दी ईयर एंडेड, वहां से डेट देख लेते हैं, 31 मार्च 2020। यहां पर हम लिख देंगे जी रिसीप्ट्स, और ये हो जाएगा जी पेमेंट, रुपीस। डेट्स वगैरह कुछ होती नहीं है, ये हम फीचर्स में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम यहां लिख देते हैं टू बैलेंस बीडी, और यहां पीछे दिया हुआ था कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना था? 4390, और ये जो अमाउंट है यहां लिख देते थे 4390। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन, ये भी डेबिट आएगा क्योंकि ये भी फंड है। सब्सक्रिप्शंस था 37600, नेक्स्ट है डोनेशन, टू डोनेशन, डोनेशंस में है 8000, एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस है 4300, रेंट रिसीट फॉर क्लब हॉल्स 2, रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल्स 5250, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4490, टैक्सेस पेड 490, सैलरीज 21500, वाई सैलरीज 21500, 21500, ऑनररियम टू सेक्रेटरी, वाई ऑनररियम टू सेक्रेटरी 2500, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितना था? 2950, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये हो जाएगा जी 2950, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 350, पेटी कैश एक्सपेंसेस बाय पेटी
कैश एक्सपेंसेस 900, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 310 बाय इंश्योरेंस 310 रुपये। ठीक है जी, अब इसको लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 1 सेकेंड, रख लिया इसको। यहां से किया क्लोज। चलो जी, अब यहाँ इधर आ जाएगा हमारा बैलेंस। यहाँ हम लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी। तो इधर से टोटल कर लो, इधर से टोटल कर लो और माइनस करके यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी लिख दो, तो क्योंकि यहाँ पर ओनली कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है ही नहीं, तो हमें इधर का ग्रेटर होगा और इधर का कम होगा और जो बैलेंस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो बच्चों ये हमने फॉर्मेट बना लिया है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। तो कैलकुलेट आप फास्ट कैसे कर पाएंगे इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ, फिर भी कुछ थोड़ा बहुत हिंट मैं इस सेक्शंस में आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल हम ये डेबिट साइड का प्लस कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी जो फिगर है इसको आप एक साइड में लिख लें, आपका जो रफ वर्क होगा वहां पर लिख लें। फॉर एग्जाम्पल ये जो फिगर है ये बिगेस्ट फिगर है, उसको एज इट इज हम लिख लेंगे। उसके बाद आपको देखना है बाकी जो फिगर्स हैं उसमें हाईएस्ट क्या है। 1000 फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ देखेंगे 1000 में हाईएस्ट है 4000, 8000, 4000। तो आपने क्या करना है, फोर्थ ये जो 4390 है तो 390 को अभी रहने दें, ओनली थाउजेंड्स प्लेसेस की डिजिट्स को एडअप कर लें। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ 4000, 4000 ये तो हमने एज इट इज यहाँ पे लिख ही लिया है, तो यहाँ पे हम करेंगे 4000 प्लस 8000 12000 प्लस 4000 16000, 16000 प्लस 5000 21000, 21 और 2 23000, तो 23000 को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब आ जाएं आप 100 प्लेस पर, ओनली 100 प्लेस की डिजिट्स को आपने प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर 300, 300 और 300, 600, 600 और 200, 800, 800 और 900, 1700। अब आप टेंथ प्लेस पर आ जाएं तो 90, 50, 50, 100 और 90, 190। अब इसको यहां पर आप टोटल कर लें, 0942 और ये 6, तो ये टोटल हो गया आपका 62490। अब आप इसको हम टोटल करेंगे, तो यहाँ पे जो बिगेस्ट फिगर है 21500, इसको आप एज इट इज लिख लें। उसके बाद आप यहाँ पे हाईएस्ट है थाउजेंड्स में, और थाउजेंड्स थाउजेंड्स प्लेसेस की जो डिजिट्स हैं उनको ले लेंगे, तो यहाँ 3000 और ये 2000, 5000 के बाद 100 प्लेसेस पर आ जाओ, तो ये 100 प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 100 प्लेस, तो 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 9 25, 25 और 3 28, 2800। अब आप टेंथ प्लेस पर आ जाएं तो 40 और 90 130, 130 और 50 180 और 10 190, ये 190 यहाँ हुआ, इसको टोटल कर लें, 09 और 4 9 और ये 29490। अब आपने क्या करना है, 62490 में से 29490 को माइनस कर लेना है, 33000, तो आपका जो बैलेंस सीडी है वो आ जाएगा 33000। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप अपना, आपका अपना फॉर्मेट अलग हो सकता है, जिस तरीके से मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये मैंने आपको बता दिया। कोई भी एक पैटर्न फॉलो कर लें तो आप आसानी से कैलकुलेशन को फास्ट कर पाएंगे। फिर भी हम एक सेपरेट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि किस टाइप्स, किस तरीके से आप और
तेजी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। हाँ जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये बहुत जल्दी से हम कर लेंगे, लेकिन फिर भी इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम फॉर्मेट बना लेते हैं। ये बना फॉर्मेट, यहाँ पे आपने लिख देना है, अरे डेबिट टू क्रेडिट, और यहाँ लिखते हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट for the year ended, जो भी ईयर लिखा होगा, ईयर देख लेते हैं, 31 मार्च 2020। यहाँ पर आपने लिखना है receipts rupees, यहाँ पर आपने लिखना है payments। ओके, एक बार एक क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। यहाँ पर एंट्रेंस फीस समा जा रहा है, ये पैसा आ रहा है, तो इसको डेबिट साइड लिख देना है। यहाँ हम लिखेंगे टू एंट्रेंस फीस, कितना अमाउंट था 10,000। आगे सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन भी हमारी रिसीप्ट शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये 60,000 है शायद, जी 60,000। डोनेशन भी हमारी रिसीप्ट है, तो ये 10,000 है। हाँ जी, रिसीप्ट कंप्लीट हो गई। अब पेमेंट्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये क्रेडिट साइड ही आएगा। रेंट और पोस्टेज 1501, तो आपने लिखना है यहाँ पर बाय रेंट 15,000 बाय पोस्टेज 1,000, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स 8,000 बाय न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स 8,000। इन्वेस्टमेंट की है, वैसे तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ आना है। इन्वेस्टमेंट है 30,000, स्टेशनरी 4,000, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 3,000 बाय स्टेशनरी बाय एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 4,000 3,000 4,000 3,000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने हैं 2,000। हो गया जी कंप्लीट। अब इसमें कोई बैलेंसेस वगैरह नहीं थे, अब इसको टैली कर लेते हैं। सबसे पहले ये डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं, तो ये बन रहा है 80,000 के आसपास। ये बन रहा है 80,000। अब यहाँ देखते हैं जी, यहाँ पर 15 tens प्लेस का मैं पहले प्लस कर लेता हूँ, 15 और 30 कितने हो गए 45,000। आ जाओ अब 1,000 प्लेसेस पर, 8,000 1,000 9,000 9 और 4 13,000 13 और 3 16,000 और 2 18,000 63,000 यहाँ से माइनस कर लें, तो ये आ जाएगा 17,000। अब आपने ये बैलेंस इधर की साइड ही आ रहा है, तो आपने क्या करना है, बाय बैलेंस सीडी करके 17,000 लिख देना है और इसको क्लोज कर देना है।
ये आपका हो जाएगा जी क्वेश्चन सॉल्व। आ रहे समझ? ओके, दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया जी। अब इसमें मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको सीधा आइटम बता देता हूँ आपने करना क्या है। सबसे पहले डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी, डोनेशन ये डेबिट हो जाएगा, एंट्रेंस फीस डेबिट हो जाएगी, सब्सक्रिप्शन डेबिट हो जाएगा, लॉकर रेंट, ये रिसीप्ट साइड ही लिखा हुआ है सारा की सारा, ये रिसीप्ट साइड ही लिखा हुआ है, लॉकर रेंट, रिफ्रेशमेंट रिसीप्ट, ये डेबिट हो जाएगा, गारमेंट ग्रांट ये भी डेबिट हो जाएगा, ये सारी पेमेंट्स लिखी हुई हैं, बस आपको बैलेंस करना है और इसका बैलेंस क्रेडिट साइड, यानी कि यहाँ पर क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा और डेबिट साइड कम होगा, तो आपको बैलेंस इधर की साइड लिख देना है। इस नाम से आप इसको लिख देंगे टू बैंक ओवरड्राफ्ट, टू बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा इधर की साइड, जितना भी बनेगा इस क्वेश्चन के अंदर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, इसमें वही सारी चीजें हैं, ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस बीडी करके, कैश इन एंड कैश आउट बैंक, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड सारी की सारी आपको लिख देनी है, ये डेबिट साइड, ये डेबिट साइड, ये डेबिट साइड, फर्नीचर परचेज क्रेडिट साइड, जनरल डोनेशन डेबिट साइड, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट डेबिट साइड, चैरिटी गिवन क्रेडिट साइड, मैच एक्सपेंसेस क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, एंट्रेंस फीस ये आ रहा है डेबिट, इंटरेस्ट आ रहा है डेबिट, और ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो कैश इन हैंड का दिया हुआ है। फिर आपने क्या करना है, सारे के सारा जो डेबिट साइड का है वो उसका टोटल कर लेना है, क्रेडिट साइड का टोटल कर लेना है, जो बैलेंस होगा वो कैश एट बैंक का बैलेंस आ जाएगा, और उसके बाद इसको क्लोज कर देना है, कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, और ऐसे ही ये सिक्स क्वेश्चन है, इसको भी बिल्कुल एज इट इज ही आपने करना है। तो आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा रिसीप्ट एंड पेमेंट का, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको आइटम्स को पहचान के कि कौन कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पैसा जा रहा है उसको रिकॉग्नाइज करके बस आपने उसको डेबिट और क्रेडिट लिखना है। इसमें कुछ ज्यादा बताने की बात तो है नहीं कि हम इसमें 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो इससे कुछ नहीं होना है, ओनली एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में ही बस आपको डेबिट और क्रेडिट लिखना है और बैलेंस कर देना है, इसके अलावा इस टॉपिक में तो कुछ है नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अगर आपको कोई और डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें काफ़ी सारे सेक्शंस में मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी इसके बाद जो थर्ड वीडियो होगी उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के जो बेसिक्स हैं और एक छोटे से फॉर्मेट में मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना के भी दिखाऊंगा। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जितने भी आइटम्स यूज होते हैं वो वन बाई वन हम क्लियर आउट करेंगे, उसके बाद हम बड़े क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें।